हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने लिविंग रूम और डाइनिंग स्पेस को दिवाली के लिए डेकोरेट किया है, लाइट अप किया है। लास्ट ईयर का भी दिवाली मेकओवर व्लॉग मेरे चैनल में है, अगर आपको देखना है, कुछ आइडियाज़ वगैरह लेनी है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। कुछ कुछ मैंने DIY करी है, कुछ चीज़ें जो गार्लैंड्स वगैरह है वो लास्ट ईयर से ही रखी हुई थी और कुछ आज चीज़ें मैंने नई परचेज़ की है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लिविंग रूम में डोर के पास एक रेक्टेंगुलर सा विंडो है, तो उस विंडो को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। लास्ट ईयर कार्डबोर्ड और एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करके मैंने छोटे छोटे झरोके बनाए थे, तो इस बार मैं कुछ और डेकोरेट करना चाह रही थी। तो अमेज़ॉन से मैंने विंडो क्लिंग आर्ट का एक सेट लिया था, उसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रंगोली के लाइक मंडाला आर्ट के पैटर्न्स है, और उस सेट के साथ पेन भी आए थे। तो पहले मैंने उनको अच्छे से कलर कर दिया और उसके साथ एक बुकलेट भी है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस है कैसे स्टिक करना है। तो अच्छे से उसे कलर करने के बाद उसके पीछे का जो शीट है वो हमें हटाना है, पर उसमें कोई ग्लू नहीं है तो इसको आपको पानी यूज़ करके ही चिपकाना है। तो जो शीट है उसके पीछे का जो पेपर है वो मैं हटा दूँगी, बट यू विल नॉट फील इट स्टिकी बिकॉज उसमें कोई ग्लू नहीं है। और वह जो विंडो है उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करके फिर हम इसे स्टिक करेंगे। आई एम नॉट श्योर पानी से स्टिक करके ये कितने दिन लास्ट करेगा, सो मे बी कुछ दिनों बाद आई कैन शेयर दैट रिव्यू विथ यू। पर कलर तो बहुत अच्छे से हुआ, पैटर्न्स बहुत ब्यूटिफुल है। आप चाहो तो उस डिज़ाइन को वैसे के वैसे ही लाइक फ्रेम भी कर सकते हो किसी फ्रेम में डाल के, और या फिर आप कार्डबोर्ड पे उसे ऐसे स्टिक करके फिर वॉल पे हैंग भी कर सकते हो। तो उस विंडो पे सिंपली मैंने पानी स्प्रे किया और ये जो डिज़ाइंस है वो मैंने ऐसे स्टिक किया। तो जो मैंने टॉप में स्टिक किया वो वनयानी कलर किया है, जो सेंटर में है वो मैंने किया है, और जो बॉटम में है पिंक वन वो मेरी छोटी बेटी ने किया है। सो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कलर सो आई लेट देम डू, और ये तीनों मैंने विंडो में स्टिक किए हैं। और पानी हमें ध्यान रखना है कि पानी वो जो शीट है उसके ऊपर ना लगे या फिर कलर स्प्रेड हो सकता है। तो थोड़ा अच्छे से ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो मैं अच्छे एक ड्राई क्लॉथ से रब कर दूँगी। एक बिल्कुल मैस फ्री है, कलर करने में भी काफ़ी मज़ा आया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और विंडो पे लगाने के बाद वो दिख भी बहुत सुंदर है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और जो कुछ मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं उनके लिंक्स मैं दे दूँगी इन केस यू वांट टू चेक। नेक्स्ट मैंने ये पिलो कवर्स ली है फ्लोरल प्रिंट के, मुझे एक्चुअली बाटिक प्रिंट जो सिल्क में आता है वैसे टाइप में चाहिए थे, पर वो ऑप्शंस काफ़ी कम अवेलेबल थे। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंडिया जाऊंगी आई विल पिक सम फ्यू, और जो कुछ थे वो मुझे प्राइजी लगे सो आई डिन बाय। ये प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलरफुल है, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कलरफुल फ्लावर्स है, तो ये मैंने लिया है। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, 2 के सेट में आया था, 12x20 के साइज़ में है। तो दोनों तरफ मैंने सोफे में ऐसे रखा है, और फिर अभी हम डेकोरेट करते हैं सेंटर टेबल। तो सेंटर टेबल को मैं बहुत ही सिंपल रखूँगी, बीच में एक जो टेबल रनर है वो मैंने बिछाया है, वर्क हुआ है पूरा उस टेबल रनर में, और फिर बीच में सेंटर में हम ये ब्यूटीफुल सा जो प्लेट है वो रखेंगे। ये मैंने टीमू से परचेज़ किया है, काफ़ी इसका ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, स्टर्डी है, क्वालिटी भी अच्छी है। और फिर उसमें मैंने एक मनी प्लांट रखा है टू ऐड कलर, एंड ये बहुत ही क्यूट सा एक कैमल है, ये दुबई का है। और फिर उसके साथ ये जो मैंने एक डिफ्यूज़र है वो मैंने रखा है, और सेंटर टेबल के साइड में रखने के लिए ब्यूटीफुल से जो दिए हैं ऑरेंज और ब्राइट वाइब्रेंट कलर के हैं, तो उसे मैं सजाऊंगी। इसको मैं लाइट अप नहीं करूंगी, ऐसे ही मैं डेकोरेट करूंगी उससे। तो इस तरफ दो और अदर साइड मैंने दो रखे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल और अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लाइट अप करना चाहो तो कर सकते हो, पर घर में बच्चे हैं यहाँ वहाँ वो भागते रहते हैं, या फिर उसमें जो बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट होल्डर्स है वो भी आप रख सकते हो, पर ये ऐसे प्लेन भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। सो सेंटर टेबल को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, एंड दिस इज़ हाउ आई डेकोरेटेड इट।
सो नेक्स्ट सोफे के पीछे का जो वॉल है उसको डेकोरेट करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने मेरे पास जो फ्रेम्स थे उस पर मैंने जो मेरे पास प्रिंटेड शीट्स थे उसी को फ्रेम में डाल के मैंने वॉल पे डेकोरेट किया था। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है वो भी। इस बार ये मैंने गोल्डन कलर का एक सेट मंगवाया है अमेज़ॉन से। आई थॉट कि इस बार मैं कुछ गोल्डन के टच में लिविंग रूम को डेकोरेट करूँगी और स्निग्धा जो है वो मुझे हेल्प करना चाह रही थी, सो शी वॉज हेल्पिंग मी विथ एवरीथिंग, निकाल के वगैरह दे रही थी और मैं फिक्स कर रही थी। सो ब्यूटीफुल सा एक सेट है, ये 3 पीस का सेट है। जो एंड्स में है वो सेम है और जो सेंटर में है वो थोड़ा अलग है। पहले मैंने इन्हें पास पास लगाया था, फिर मुझे काफ़ी क्राउडेड लगा तो मैंने उनको थोड़ा दूर दूर लगाया है एंड नाउ दे आर लुकिंग गुड। और फिर उनके बीच में ये जो फ्लावर के गार्लैंड्स हैं वो मैं हैंग करने वाली हूँ। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से येलो और ऑरेंज शेड में है और उनके साथ नीचे एक लटकन भी है, लाइक एक रिंग है और उसमें एक टी लाइट होल्डर है। तो इन टी लाइट होल्डर्स को आप सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये जो हैंगिंग्स है फ्लावर हैंगिंग्स उनके साथ भी आप लगा के यूज़ कर सकते हो। और जब ये गार्लैंड्स ना पैक होके आते हैं काफ़ी ऐसे ना मतलब खिले खिले नहीं लगते हैं। सो आपको हर एक फूल को अच्छे से ब्रश अप करना होता है, उसके बाद दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड रियल। एंड दीज आर ऑल वन टाइम परचेज। लास्ट ईयर के भी मेरे पास कुछ रखे हुए थे, इस बार ये एक जो सेट है वो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया। तो अभी जो मैंने गोल्डन वॉल पीसेस लगाई है और उनके पास ये जो मैं फ्लावर की मालाएं हैं वो लगाऊंगी और उनको लगाते ही ये जो पूरा जो वॉल है ना उसका पूरा लुक ही टोटली चेंज हो गया। और नीचे जो टी लाइट होल्डर्स है वो भी मैंने लगाए हैं, उसमें जो बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स आती है वो मैं लगाऊंगी। हाइट वाइज मुझे लगता है मुझे और थोड़ा ऊपर उसे हैंग करना चाहिए, सोफे पे बैठने के बाद अगर इट्स टचिंग द हेड देन आई विल मूव इट लिटिल अप लेटर। और कॉर्नर्स में अगेन जो मेरे पास ये सब लास्ट ईयर के रखे हुए गार्लैंड्स हैं तो उनको मैं हैंग करूँगी। गणपति फेस्टिवल को भी मैंने यही गार्लैंड्स का यूज़ करके डेकोरेशन किया था एंड दिस इज़ वन टाइम परचेज। एक बार आप लेते हो तो अगर आप अच्छे से उसे संभल के स्टोर करते हो देन दे विल लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। और जैसे ही आप ना ये फ्लावर्स ऐड करते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कलर जो है आपके लिविंग स्पेस में ऐड होता है। एंड दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो मैंने 10 दिन पहले ही डेकोरेशन कर दी है क्योंकि फेस्टिवल आके झट से निकल ही जाता है, पता भी नहीं चलता। सो वो जो फील है वो रहना चाहिए। सो अगर आप 10 दिन पहले एटलीस्ट डेकोरेशन वगैरह करो तो आप वो जो पूरा माहौल है वो जो डेकोर है वो आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। और लिविंग रूम और डाइनिंग स्पेस में एक जो वॉल है उसमें मैंने ब्यूटीफुल से ऑरेंज कलर के शेयर कर्टन्स हैंग करी है, वहाँ पे भी मैंने गार्लैंड्स हैंग किए हैं। एंड ये जो ब्यूटीफुल मोती के छोटे छोटे कंदील है, इंडिया में हमारे मम्मी के घर के पास एक आंटी रहते हैं तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है वो, तो उसे भी मैंने वहाँ हैंग किया है। और यहाँ टीवी के पास में स्पेस काफ़ी एम्प्टी था तो एक बड़ा सा मेटल का स्टूल मैंने रखा है और उसके नीचे एक जीजी प्लांट रखा है और टॉप पे ये एक प्लेसमेट है जो मैंने आइकिया से लिया था और उन पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो मैंने लगाई है और वैसे डेकोरेट किया है। और सोफे की दूसरी तरफ पे जो प्लांटर है उसको मैंने उल्टा रख के उसके ऊपर एक प्लांट रखा है। एंड फिर अभी आते हैं एंट्री वे पे। एंट्री वे काफ़ी छोटा है तो उस पे जो झरोखे हैं वो मैंने लास्ट ईयर DIY बनाए थे स्वीट बॉक्सेस यूज़ करके, तो वही रखा है। और इस वॉल पे ये जो प्लांटर है वो मैंने पेंट किया है जो लेमन जूस के बॉटल्स आते हैं उस पे, और वो जो स्टोन वर्क और गणपति जी है उनको भी मैंने ही बनाया है। और फिर यहाँ पे मैं सिंपल से जो फ्लावर के मालाएं हैं उनसे ही मैं डेकोरेट करूँगी, ऐसे ही जैसे मेरे मन में आया वैसे मैं मतलब वो फ्लावर जो है वो हैंग करती गई। पहले मुझे था कि जो मिरर्स के मिलते हैं ना पॉम्पम बॉल्स के साथ वो मुझे ऐसे एक साथ लगाने थे, पर वो मैंने यहाँ पे शॉप में देखा बट देवर क्वाइट प्राइजी एंड अमेज़ॉन में इतना मुझे ऑप्शंस दिखे नहीं।
तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं कुछ ना वहाँ से ले आऊंगी, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो एक शुभ लाभ का जो है वो मैंने बनाया था, वो डोर पे हैंग किया है। एक छोटा सा टेबल रखा है, उसमें मनी प्लांट है, टॉप में एक जो पॉट है, कैंडल स्टैंड, उसमें मैंने डॉट पेंटिंग किया था वो रखा है। नीचे बस सिंपल से कुछ ऐसे रैंडम सी चीज़ें रखी है। एक छोटा सा वाइट स्टूल रखा है बाजू में, उसके ऊपर एक जो क्रोशा का कपड़ा है ब्लू कलर का वो रखा है। और मेरे पास एक मैट था ऑरेंज कलर का, वो मैंने छोटे से वो डॉट पेंटिंग बॉटल के नीचे रखा है, उससे बहुत ही अच्छा एक कलर ऐड हुआ है। और मेरे पास कुछ एक्रेलिक के दिया के स्टिकर्स थे, वो मैंने वॉल पे स्टिक किए हैं। और ये एक उरली है जो मैंने लास्ट ईयर लिया था, इसको अभी मैंने बस प्लेन ही रखा है, बाद में मैं इसमें पानी और फ्लावर्स वगैरह ऐड करूँगी। आप चाहो तो वो जो वाटर कैंडल्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। और ये मेरे पास टू के सेट में छोटे छोटे हैंगिंग्स थे, तो टीवी के दोनों तरफ मैंने एक एक वैसे उनको हैंग किया है। और नेक्स्ट ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल का एक हैंगिंग है, जिसमें छोटा सा एक गणेशा है, तो गणपति फेस्टिवल के टाइम पे मैंने लिया था, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो उसको जो झरोके है उसके सेंटर में मैंने उसे लगाया है। एंड ये बहुत सारे टी लाइट होल्डर्स हैं, तो इनको आप कहीं भी घर में जगह जगह पे ऐसे सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे वैसे डेकोरेट कर सकते हो। और अब डेकोरेट करते हैं जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है उसे, तो उस पे मैंने एक ब्लैक कलर का जो दुपट्टा है वो बिछाया था, तो उसको हटा के एक बार मैंने अच्छे से वाइप किया है। और मेरे पास ये भी एक दुपट्टा ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलरफुल दुपट्टा, जस्ट परफेक्ट फॉर दिवाली। तो उसको मैंने यहाँ पे एज अ टेबल रनर लगाया है। आप शॉल या आपकी साड़ी दुपट्टा वो भी आप एज अ टेबल रनर यूज़ कर सकते हो, यू डोंट हैव टू बाय न्यू एवरी टाइम। तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। एंड उसके ऊपर जो मेरे बेसिक के हमेशा चीज़ें रहती है वही मैंने रखा है, जो मेरा स्टैंड मिक्सर है वो रखा है, एक छोटा सा क्यूट सा कप है, उसमें मैंने एक कैंडल रखा है, कभी कभी मैं उसे लाइट अप करती हूँ। और फिर उसके बाद ये एक जो चॉपिंग बोर्ड है वो मैंने रखा है, दिस इज़ फ्रॉम टीमू। और फिर ये बहुत सा ब्यूटीफुल सा एक जो फ्लावर बुके है वो मैंने इसमें रखा है। आई लाइक टू कीप फ्रेश फ्लावर्स एट होम, और फ्लावर्स मैं जनरली कॉस्को से लेके आती हूँ। और एक बार एक बुके $10 का बुके लेके आए तो 3 हफ्ते तक फ्लावर्स काफ़ी फ्रेश रहते हैं। और उस तरफ मैंने पानी के बॉटल्स रखे हैं। ऊपर मैंने रिसेंटली नए शेल्फ्स जो है दो वो ऐड किए हैं वॉल में। एंड ये सिरामिक जार्स के सेट है, सेट ऑफ 3 में, वाइट एंड ब्लैक कलर के प्रिंट में है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। दिस इज़ फ्रॉम क्वाइट सम टाइम आई एम यूजिंग। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखी है, सो दे आर क्वाइट गुड। इन सब के प्रोडक्ट्स के लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं अमेज़ॉन में दे दूंगी, इन केस यू लाइक इट यू कैन चेक इट आउट। तो एक शेल्फ पे मैंने ये 3 जार्स रखी है, और एक क्यूट सा लाइक हार्ट शेप का है, वुडन का है, वो मैंने रखा है। पहले मैंने नीचे रखा था, फिर मैंने जो सेंटर वाला जार है उसके ऊपर मैंने रखा। एंड जो दूसरा शेल्फ है वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लव करके एक अल्फ़ाबेट्स है, उसको मैंने रखा है। ये भी मैंने टीमू से परचेज़ किया था। होम डेकोर अगर आपको करना पसंद है तो टीमू में और या फिर शीन में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन में भी है, थोड़े सस्ते में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। एंड ये पिस्ता शेल्स यूज़ करके मैंने एक टी लाइट होल्डर बनाया था, दो बनाए थे लास्ट ईयर, तो उनको मैंने एक एक इस तरफ और उस तरफ रखा है, और उसमें जो बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स है वो मैंने रखी है। बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है, वो दुपट्टे से काफ़ी लुक चेंज हो गया है, और फ्रेश फ्लावर्स थोड़े बहुत दिए एंड दैट्स इट। और डाइनिंग टेबल को अभी मैंने डेकोरेट नहीं किया है, दिवाली के 1-2 दिन पहले ही मैं करूँगी। बस उसमें एक जो टेबल रनर है वो बिछाऊंगी, और सेंटर में एक छोटा सा दिया मैं रखूँगी, ज़्यादा फिलअप नहीं करूँगी, क्योंकि डाइनिंग टेबल काफ़ी यूज़ होता है, इट्स अ मल्टीपर्पज़ टेबल, इट्स यूज फॉर लंच डिनर, प्लस वो ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, बच्चों के जो क्लासेस होते हैं वन्या वहीं अटेंड करती है, या फिर स्टडी टेबल भी है, सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ टेबल। उसको अगर फुल डेकोरेट करके भर दिया जाए ना
तो हर टाइम यूज़ करते वक्त उसे निकालना पड़ता है, तो आई जस्ट कीप इट सिंपल एंड प्लेन. सो जस्ट बिफोर वन डे आई विल जस्ट पुट अ टेबल रनर एंड अ स्मॉल दिया और अ फ्लावर वास इन बिटवीन, दैट्स इट. और ये जो टीवी यूनिट है उसको मैंने कुछ नए नए लाइक होम डेकोर से सजाया है. होम फैमिली और ब्लेस्ड करके एक तीन ऐसे छोटे वुडन ब्लॉक्स में लिखे हुए आए थे, उनके पीछे मैंने क्रिसमस के ट्रीज रखे हैं. सेंटर वाले शेल्फ में मैंने बुक्स रखे हैं और ये कैक्टस का सेट है, इनको मैंने आइकिया से लिया था काफ़ी दिनों पहले, तो वो रखा है. साइड में क्यूट से सेंटा क्लॉज रखे हैं. आई नो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिवाली बट वो बहुत क्यूट है, तो उनको मैंने हटाया नहीं, वैसे ही रखा है. और बीच में जो वुडन के छोटे छोटे मेरे पास बच्चों के टॉयज़ के डॉल्स हैं उनको मैंने वहाँ पे रखे हैं. बच्चों के टॉय से भी आप घर को ना सजा सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे अगर क्यूट डॉल्स हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, उनसे भी आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो. और ये एक अवल का सेट है गोल्डन कलर के थीम में, और उन एक मम्मी है शायद और तीन उसके बच्चे. सो काफ़ी क्यूट है, लाइट वेट है एंड इट लुक सो प्रिटी, वो रखा है मैंने. एंड इस तरफ एक क्यूट सा डॉल रखा है और दो छोटे छोटे ऐसे मैंने जो सिरामिक के लाइक एस्थेटिक जो पॉट्स होते हैं ना, क्यूट से मिनिएचर पॉट्स, वो रखे हैं. एंड बस इसी तरह सिंपल से जो टीवी यूनिट के शेल्व्स है उनको मैंने डेकोरेट किया है. और मेरे पास जो रंगोली के डिज़ाइंस के जो लाइक पैटर्न्स आते हैं ना वो भी है दो, तो उन पे मैंने रंगोली वगैरह परचेज़ करी है, तो एक दो दिन पहले ही मैं उनमें फिल करूँगी. वुडन का बोर्ड है MDF का स्टेंसिल टाइप, उसमें आप बस कलर आपको फिल करना है, मेस फ्री है. अगर बच्चे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, सो इट्स क्वाइट गुड. उनका जो पिक्चर है वो लास्ट में मैं लगा दूंगी. एक मैंने अमेज़ोन से लिया था, एक यहीं पे मार्केट में लाइक सेल लगा था तो वहाँ से मैंने लिया है. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. सब जो कैंडल्स वगैरह है दिए मैंने लाइट अप किए हैं एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. आप देखिए वीडियो ज़रूर, आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ इससे ज़रूर मिलेंगी. और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये होम डेकोर वीडियो कैसा लगा. ये जो एंट्री वे है बेडरूम्स के लिए, वहाँ पे एक मैंने माला रखी है. एंड दिस इज़ द पार्टीशन जहाँ पे लिविंग रूम से डाइनिंग की तरफ आप जाते हो ना, तो उन पे कर्टन्स और कुछ मालाएं लगाई है. एंड यहाँ पे किचन का जो एक काउंटर है वहाँ पे छोटे छोटे मैंने दिए रखे हैं. आप सिर्फ प्लेन कलरफुल दिए भी रख सकते हो, बहुत प्रिटी लगेंगे. मैंने उसमें जो टी लाइट होल्डर्स है वो रखी है. एंड दिस इज़ द क्रॉकरी यूनिट. और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ. आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये होम डेकोर वीडियो कैसा लगा. एंड आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो. आपने आपके घर को दिवाली में कैसे सजाया है, यू कैन सेंड मी सम पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट मी देयर एज़ वेल. मेरे चैनल में और भी कई सारे वीडियोस है. आई शेयर माई सिंपल लाइफ एज अ वर्किंग मॉम, माई लाइफ इन USA. यू कैन चेक माई चैनल फॉर अदर वीडियोज़. I will see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.